गाइस दिस इज द मुसीबत की जड़। तो गाइस यार इसकी वजह से सारी मुसीबत हुई है इसकी। गाइस ये कांच का टुकड़ा अपन ने हाथ में खाई, जाम हो गया गाइस यहाँ पे, तो अब इसे ढीला करना पड़ेगा फिर ये अच्छे से चलेगा। तो गाइस दादी आ चुकी है हरिद्वार से स्नान करके, तो दादी का माला बना के स्वागत करते हैं। खुश रहो, बच्चा पढ़ो, स्वस्थ रहो। तो दादी आपकी यात्रा कैसी रही? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत मनोरंजन किया और खूब मजा आया। स्नान करने में क्या कर रही थी? ट्रेन में तो सब बस से बोलते गाते जा रहे थे। शाम को एक भजन मंडली थी जो जा रही थी इधर कर्नाटक, इधर रामेश्वरम गुजराती थे, और उनके पास वो पियानो ढोलक तबला वगैरह सब थे, वो पंडित भी था संगीत, वो सब अपनी गा रहे थे। मजा ही आ गया ट्रेन। और पीछे कुछ औरतें बैठकर ग्रुप बैठा था, वो पूरी मतलब 10-12 बजे तक वो भी खूब भजन गाती रही। 2 hours later. हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी ब्लॉग बड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि अभी है शाम का वक्त और अपन सबसे पहले चलते हैं वन निम्फा के पास, देखते हैं निम्फा कहाँ है। निम्फा है स्लीपिंग। अच्छा तो इस निम्फा भी जो है तो आराम से मिलेंगे उससे। अभी देखते हैं मम्मा कहाँ पे हैं। अभी सुन दिए कथा, कितने देर की और है? बस कल जो है अंतिम दिन है। महाराज जो है ना वो 7 दिन कथा करते हैं हर जगह पे। मम्मा आ चुकी है अभी। मैं मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाने के लिए। मैं यार कुछ तो होगा यार सोचूं। चलो अपन दोनों मिलके सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो अब मम्मा और अपन मिलके सोचते हैं क्या खा सकते हैं अपन। अभी फ्रिज की कूलिंग में हुई कुछ खराबी, तो ताऊ जी आए हैं उसको ठीक करने, तो वो उसे खोल के देख रहे हैं क्या खराबी हुई। वैसे इसमें पंखा नहीं चल रहा, नीचे हवा नहीं आ रही है। अच्छा कूलिंग नहीं हो रही है, तो वजह इसका पंखा नहीं चल रहा था, तो उसी की वजह से कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखते हैं कब तक ठीक होती है ये प्रॉब्लम। तो गैस ये है फैन, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा सेटअप है इसका। यहाँ फैन तो यहाँ पे, पर उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है यहाँ बाकी पार्ट में, तो जाम हो गया। तो ये जाम हो गया गैस यहाँ पे, उसे ढीला करना पड़ेगा फिर ये अच्छे से चलेगा। और इसको हटाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा नजारा आता है गाइस, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी बर्फ है। ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है भाई, भारी लग रहा है। क्या भाई बर्फ जमी हुई है इसमें? खानी है कांच का कड़ा अपन ने हाथ में खाई। दिस इज द मुसीबत की जड़। तो गई यार इसकी वजह से सारी मुसीबत हुई है, इसकी वजह से सारी कूलिंग लग गई। तो ये है वो फैन, इसको निकालने के चक्कर में जहाँ पे लगा हुआ था वो पूरा थर्माकोल टूट गया। तो अपने आपको बताया था इसके साथ क्या होने वाला है निकलने के बाद। ताऊ जी ने इसकी फोटो भी खींच ली है तो ताकि मॉडल का पता पड़ जाए कौन सा मॉडल लेते हैं। मॉडल तो बड़ा गंदा है, जाम हो गया तो जाम हो गया तो गंदा मॉडल ही है। और गाइस ये जिसके अंदर से निकला है ना उधर पूरी बहुत ठंडी वाली ब्लैक आइस जम रही है, बहुत ठंडी वाली। गाइस उसका पुराना फैन होगा ना जो भी अपन बदलेंगे जिस फैन को निकाल के उस फैन के पीछे उस फैन का क्या होने वाला है वो आपको बताते हैं सीक्रेट में। तो गाइस यार जो उसका पुराना फैन निकलेगा ना जो बीच में ब्लैक कलर का लगा हुआ है उस फैन के लिए मंजू और मैं ना दोनों लड़ेंगे और फिर सब उनको डांटेंगे, फिर नन्नू रोती हुई जाएगी और मैं अंदर पढ़ने जाऊंगा। तो ऐसा कुछ होगा जो भी फैन निकलेगा। तो ताऊ जी जा रहे हैं अभी दूसरा फैन लेने, तो इस फैन के बदले मिलेगा। तो देखते हैं दूसरा फैन देखने में कैसा होगा, साइज वाइज में कैसा होगा, और आपको बताते हैं दूसरा फैन कैसे फिट होता है। और थोड़ी देर वेट करते हैं अभी अपन। ताऊ जी अभी फैन लेके आ चुके हैं बहुत देर के बाद, तो अभी फैन की फिटिंग चल रही है थोड़ी सी वायर की, और पुराना फैन तो देख के आ गए। देखिए आना पड़ेगा बेटा यार वारंटी में।
मुश्किल से मिला ये फैन। तो गाइस यार इसकी ग्रिप हो गई थी खराब, आपने देखा ही था यहाँ से ये पूरा का पूरा फट रखा था जब पेचकस वेचकस डाल के इसको निकाला था। तो ये तो अभी नया वाला है, पुराना वाला देख के आ गए हैं वहाँ पे। तो इधर टेप वेप लगा के है ना इसे ठीक कर दिया है, वरना है ना यहाँ पे आइसक्रीम नहीं जमेगी, हवा कहीं और ही भागती रहेगी इधर से उधर। गाइस आप देख सकते हैं ये सारा फिर ठीक हो चुका है, यहाँ पे सारा फिट कर दिया सब कुछ, इसका सिस्टम ऊपर भी ये सब लगा दिया है। और अब फ्रिज बंद कर देते हैं। थैंक यू ताऊ जी। और फ्रिज तो बड़ा अच्छा ठीक हो चुका है, अब आइसक्रीम वाइसक्रीम सब जम जाएंगी इसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी जा चुके हैं ताऊ जी, तो काम तो अपना अच्छा हो गया, फ्रिज का फ्रिज तो अच्छा हो गया, अब उन्होंने फ्रिज टॉफी निकाल के खा ली, मस्त मस्त ठंडी ठंडी हो गई टॉफी भी, बड़ी अम्मी भी हो गई वहाँ पे। अब अपन आइसक्रीम भी जमा सकते हैं उसमें कोई सी भी, और अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी गाइस। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, इरीगेशन, स्विमिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट, पुटिंग आउट फायर। तो गाइस अपनी जो रिविजन प्रैक्टिस थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सॉरी रीडिंग प्रैक्टिस जो थी अपनी वो कंप्लीट हो चुकी है। और आपने देखा आज के दिन कुछ स्पेशल भी था नहीं, क्योंकि हर रोज अपन बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि सबको काम है, पापा को भी काम है, अपन को तो बस दो ही काम है, पढ़े करना और फन करना। और जब अपन को टाइम मिलेगा अपन आपको देंगे आउटडोर व्लॉग्स देंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग्स देंगे, और फैमिली व्लॉग्स तो आपको मिलते रहेंगे। तो रात के बज रहे हैं 10, बहुत थकान हो रही है, तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।